साहब, आपने कहा 317 करोड़ की मंजूरी मिली है रास्तों के लिए, क्या मुस्लिम वार्डों में भी रास्ते बनेंगे? मैं जब पालक मंत्री था तो मुस्लिम वार्ड में मैंने 25-25 लाख रुपए खर्चा करके दवाखाने बनाया था। आज भी बहुत अच्छी तरह से दवाखाने करें, हम कभी ऐसा भेदभाव करते नहीं। हमारे जो जो चुनके आए वो गलती से वो करते हैं, वो हिंदू एरिया में आते भी नहीं, करते भी नहीं कुछ, उधर वो भी उनके एरिया में भी वो उनके ही लोगों के साथ करते, बाकी उनके उनके विरोधी मुस्लिम होंगे उनके वहाँ काम नहीं करता है सब में। और खैरे साहब, उन्होंने यह भी कहा है कि आपकी जो 14 माह और अभी तक हुए है, शहर के पूरे रास्ते चकाचक हो गए, हर दिन पानी आ रहा है पीने का, यह भी उन्होंने कहा है खासदार साहब ने, तो क्या कहेंगे आप, शिवसेना की भूमिका क्या है इस पर? शिवसेना की भूमिका जो है तो काम करने की, हम काम करते रहते, हम जातिवाद करते नहीं और हम लोग ये भी नहीं करते, मतलब क्या बोलते उसको, ऐसा भेदभाव भी नहीं करते और सबका काम करते हैं। माननीय बाला साहब ठाकुर जी ने कहा है अपन सगन से काम खेले पाए थे प्रमाण है, अभी सगन से काम सर। लच्छू पहलवान जो है कुछ दिन पहले खासदार साहब के बाजू में खड़े हुए थे, उनके साथ थे एक रास्ते के उद्घाटन में, आज आपके बाजू में खड़े हुए, क्या हुआ? वो लच्छू पहलवान का वार्ड था ना, बॉर्डर थी तो बॉर्डर में उनके था, तो ये लच्छू पहलवान ने भी वोट ट्राई किया था उसके लिए और वो बाजू में खड़े थे, उसमें क्या हुआ? लेकिन 3 सदस्य का जो प्रभाग है सर, उसका भी विरोध हो रहा है कुछ पार्टियों के, कोई बात नहीं सब एक साथ, छोटे पक्षों का विरोध हो रहा है। आज में आए थे तो खासदार साहब ने उनके ऊपर फूल बरसाए थे, तो आपको खुश होना चाहिए, आप बोल रहे दंगा करने वाली पार्टी है। तो कल मैंने आपने मुलाकात ली थी वो कहीं लेडी की, तो बोले कि नहीं इमदाद जल बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मेरे पास क्यों मुस्लिम लेडी जाती थे, सब काम नहीं होता, सब ऐसा होता पता नहीं, वो तो मिलते ही नहीं, 10 फोन करते मिलते नहीं, उनके ऑफिस में गए थे मिलते नहीं, तो ये सब गलत बात है। लेकिन खाली एक इसका जवाब दीजिए, आपको खुशी हुई क्या नहीं हुई जब फूल बरस रहे थे? तो उन्होंने जानबूझ के ऊपर उसको ऐसा किया होता नहीं सर, 30 साल से सत्ता है शहर में शिवसेना की महानगर पालिका पे, फिर मुस्लिम बहुल जो वार्ड है वो विकास से वंचित क्यों हुआ, खड्डे क्यों है आज? मैंने खुद मुस्लिम वार्ड में बहुत काम किया है, समझे ना, मैं पालक मंत्री था जब भी, उसके पहले मैं विरोधी पक्ष नेता महापालिका का आमदार था, जब भी मैंने किया ऐसा मैंने भेदभाव नहीं किया। हमारे आरोप लगाती है सत्ताधारी, ध्यान नहीं देते, वो आरोप लगाने वाले खुद बदमाश है, वो आरोप जानबूझ के लगाते हैं, शिवसेना ऐसी शिवसेना चुनाव आ गया, खड्डे क्यों है मुस्लिम बोल वाले बताओ ना, खड्डे नहीं, चंपा चौक देखिए आप, जब रास्ते एकदम चकाचक हो जाएंगे, जब कोई नमस्ते करने को भी नहीं आएगा, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं विरोधक, क्या जैसे भी चुनाव आ रहे हैं आप उद्घाटन कर रहे बोले रास्तों के, सभी करते रहते हैं, पीछे रणबाबू दर्डा भी थे ना, तो उन्होंने भी ऐसे रास्ते लाए थे और किया था, तो रास्ते का काम तो हुआ था, ये बात है, धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जय, बाबा आ गया, ये कम से कम पहले जो काम होना चाहिए था वो काम बहुत दिन से नहीं था, लोगों की बहुत डिमांड थी, चीनी मंदिर और मस्जिद के पास से आने जाने वाले लोगों को तकलीफ हो रही थी, ये साइड में सब व्यापारियों को तकलीफ हो रही थी, और उन्होंने निवेदन दिया था, इसका मैंने काम पहले किया है, वो साइड पे किसी और बैठी क्या किसी का नाम नहीं लेता, वो साइड पे भी किसी ने उद्घाटन कर दिया था, एक्चुअली ये काम कर ये करने के लिए हमने कितनी मेहनत की हुई है, और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इतने 317 करोड़ की आज रोडों के लिए उन्होंने अमाउंट दी भी है, उसके पहले 152 करोड़ की अमाउंट दी थी, इस तरह से इस शहर का डेवलपमेंट होना हर जगह का, ऐसा नहीं कि एक जगह को बोल के, जितने भी एरिया में रहे हर समाज के लोग रहते हैं वहाँ सब मिलकर यहाँ काम करते और उस तरह से आज शहर के अंदर हम काम करते हैं। प्रभाग पद्धति का फायदा होगा शिवसेना को इलेक्शन में, उसके लिए मैं आपको पर्सनल एक मीटिंग लेके आपसे इस पर डिबेट करूँगा, आज मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने भी देखा सब समाज के लोग सब पक्ष के लोग सबने हमारा धन्यवाद किया, हमारी गुरुखुशी की है, आप सबको मानना पड़ेगा और सब लोगों से इसी तरह से हमेशा हम यहाँ रहते हैं, आप सबका भी पत्रकारों को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
अंगूरी बाग का जो रास्ता है इसको इतना देरी क्यों हुई रास्ते का उद्घाटन करने के लिए? रास्ते के देरी करने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले मैं शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे साहब का और उद्धव साहब का मुख्यमंत्री उद्धव साहब साहब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आज भले देर से सही पर आज हमारे वार्ड के और शहरवासियों के सभी के जो मध्य स्थान है हार स्थान है गुलमंडी राजा बाजार मोती कारंजा ये जो रोड है ये शहर का हार स्थान है और सबका पुराना शहर का एक विकास का है। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो आज हमारे वार्ड के लिए इतनी बड़ी जो निधि उपलब्ध करा के दी मैं उनका पहले सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और दूसरी बात आप बोले कि दो साल आप देख रहे होंगे कि जो कोरोना का जो विषय चल रहा था दो साल के पहले ये रोड का काम हो जाता था पर कोरोना रहने की वजह से हमें कुछ भी नहीं करते आया किसी को भी कुछ नहीं करते आया। तो आज जैसा ऐसा विकास काम की तरफ हम बढ़ रहे अभी शुरुआत है अभी बहुत से ऐसे रोड है जो काम होना है हमारे माननीय नेता हमारे खैरे साहब और हमारे आमदार जायसवाल साहब और शिवसेना के पूरे आमदार जितने भी हैं सब ये काम को लगे हुए और पूरे के पूरे शहर का विकास होने जा रहा है। जैसा आपको अभी खैरे साहब ने हमारे खैरे साहब जायसवाल साहब ने सभी ने आपको बताया कि आप शहर का विकास बहुत फास्ट और बहुत जल्दी तरीके से होगा। नहीं जायसवाल साहब आगे आए इस रोड के लिए इतने दिन से प्रलंबित था लोग परेशान थे इस रास्ते के लिए बहुत सी कारणावस्था था। देखे आपने दो मिनट के लिए जैसा मैं बोला हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सभी को पहले से ये काम करने की तैयारी बताई थी बजट बहुत पहले से फाइनल था पर कोरोना काल होने की वजह से कुछ ही कार्यक्रम कोई भी एक भी कार्यक्रम ले नहीं जा रहा था काम नहीं हो पा रहा था तो इसी के कारण देर हो गई बाकी कुछ दूसरा कोई विषय। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक बनने वाला है? ये रास्ता जो है शनि मंदिर से लेके तो हरी मस्जिद तक ये पूरा रास्ता जो है ये पूरा होने जा रहा है। और अंगूरी बाग? अंगूरी बाग का भी रास्ता अंगूरी बाग पूरा आ रहा है इसमें अंगूरी बाग से पूरा रास्ता आ रहा है फकीरवाड़ी से लेके पूरा का पूरा जो जॉइंट रास्ता बाकी रह गया था पूरा रास्ता क्लियर करके दिए जा रहा है। वार्ड में अभी कोई काम बाकी नहीं आप देख सकते हैं सिर्फ एक से दो रोड छोड़े तो बाकी है ड्रेनेज लाइन से लेके पानी का रोड का लाइट का। महिलाओं ने शिकायत की है अभी गंदा पानी आ रहा है पीने को। तो अभी जब ये रोड का काम हो रहा तो यहाँ की जो मेन लाइन फूटी हुई है जब ये रोड का काम चालू करें तो इसके पहले हम ड्रेनेज लाइन का और पानी का विषय होगा जिससे नल के पानी को यहाँ तक ही नहीं गुलमंडी तक पानी खराब आ रहा है तो इसका पूरा सोल्यूशन अभी बैठ के हम पहले पूरा काटेंगे उसके बाद ही रोड का काम। इसका मतलब पहले ड्रेनेज लाइन का काम होगा उसके बाद रास्ते का काम चालू? बिल्कुल। और रास्ते का काम और ड्रेनेज लाइन के काम के लिए सभी अधिकारी व्यक्ति से सभी हमारे आमदार साहब जायसवाल साहब इन्होंने सभी ने बैठ के बातचीत कर रहे सभी को मार्गदर्शन बता दिया गया है और कल सोमवार से आज रविवार होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा शुरू कल सोमवार से ड्रेनेज लाइन का और पानी का विषय एक साथ चालू होने वाला है और उसी के बाद रोड का काम चालू।